बुंदेलखंड को 31 मई तक कोरोना मुक्त करके शर्तों के अनुसार अनलॉक करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति फैले भ्रम को भी जागरूकता के जरिए दूर किया जाएगा। तीसरी लहर के लिए हम सभी एक दूसरे को जागरूक करेंगे, आवश्यक बातें भी साझा करेंगे, यह विचार दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सागरा संभाग में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उन्होंने यह बातें स्पष्ट की है। इस दौरान कई आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि मौके पर उपस्थित थे। इसलिए कहा कि हम बहुत उत्साह में ना जाएंगे, अब तो बहुत कम हो रहे हैं, सब अनलॉक कर दो। अभी एक एक जिले की चर्चा करते हुए हम बाकी सब रणनीतियों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हम ऐसी स्थिति ले आए कि कोरोना का वायरस तो रहेगा, तो उस वायरस के रहते हुए भी हम दुनियादारी चलाते रहें और संक्रमण को भी नियंत्रित करते रहें। इतनी मुझे प्रारंभ में कहना था। उसके बारे में एक इसके साथ साथ जो आवश्यक चीज है वो है वैक्सीनेशन। अभी मेरी जानकारी में है, हमने बहुत जोर इसलिए नहीं दिया कि हम संक्रमण को नियंत्रित करने में लगेंगे।